जापानी विस्टेरिया। आज का यह वीडियो जापानी विस्टेरिया के बारे में है, जिसे वैज्ञानिक रूप से विस्टेरिया फ्लोरीबुडा के नाम से जाना जाता है। एक मनोरम फूल वाला पौधा है, जिसने अपने शानदार फूलों और मनमोहक खुशबू से दुनिया भर के लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया है। जापान से उत्पन्न यह आश्चर्यजनक पौधा सुंदरता, अनुग्रह और परंपरा का प्रतीक बन गया है। खिलना और रंग। जापानी विस्टेरिया की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक पेंडुलस फूलों का शानदार प्रदर्शन है, जो सुंदर गुच्छाओं में लटकते हैं, जो रंग के नाजुक झरनों के समान होते हैं। फूल कई रंगों में आते हैं, जिसमें बैंगनी, नीले, गुलाबी और रंग सफ़ेद भी हो सकते हैं, जो अलौकिक सुंदरता के पैलेट के साथ परिदृश्य को चित्रित करते हैं। सांस्कृतिक महत्व। जापान में विस्टेरिया का गहरा सांस्कृतिक महत्व है। इसे अक्सर पारंपरिक कला, साहित्य और यहाँ तक कि त्योहारों में भी दिखाया जाता है। फुजी मात्सुरी विस्टेरिया फेस्टिवल इसका प्रमुख उदाहरण है, जहाँ लोग खिलते हुए विस्टेरिया की प्रशंसा करने, वसंत के आगमन और प्रकृति की क्षणिक सुंदरता का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। विकास और देखभाल। जापानी विस्टेरिया की देखभाल पर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक जोरदार उत्पादक है जो बड़े क्षेत्रों को जल्दी से कवर कर सकते हैं। स्वस्थ विकास और फूल आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उचित छटाई आवश्यक है। जब अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगाया जाता है और पर्याप्त धूप प्रदान की जाती है, तो विस्टेरिया पनप सकता है और बगीचे का रूप ले सकता है। प्रतीकवाद। जापानी विस्टेरिया का प्रतीकवाद इसकी भौतिक सुंदरता से परे है। ये अक्सर प्यार, कामुकता और समय बिताने का प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरह से इसके फूल हवा में धीरे धीरे हिलते हैं और इसकी खुशबू हवा में भर जाती है, उससे शांति और पुरानी यादों का एहसास होता है। विस्टेरिया गार्डन का दौरा। जो लोग जापानी विस्टेरिया की मनमोहक दुनिया में डूब जाना चाहते हैं, उनके लिए जापान में विस्टेरिया गार्डन का दौरा करना जरूरी है। आशिकांगा फ्लावर पार्क और कावाची फूजी गार्डन जैसी जगहें अपने लुभावने विस्टेरिया डिस्प्ले के लिए प्रसिद्ध है, जो आगंतुकों को रंग और सुगंध के एक सपने के दायरे में ले जाती है। जापानी विस्टेरिया सिर्फ एक फूल वाले पौधे से कहीं अधिक है। यह प्रकृति की सुंदरता और जापान की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसके शानदार फूल और नाजुक रंग विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करते हैं। हमें जीवन में क्षण भंगुर लेकिन अनमोल क्षणों की यादें दिलाते हैं। चाहे किसी बगीचे में देखा जाए या कला में चित्रित किया जाए, जापानी विस्टेरिया मानवता और प्राकृतिक दुनिया के बीच सामंजस्य की झलक पेश करते हुए दिल और दिमाग को मोहित करता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।